नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर के स्टडीशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह नई नई जानकारी के लिए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, एम्पिटेड वर्ग एक और वर्ग दो वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों क्या है दोस्तों, पूरी न्यूज़ चलिए देख लेते हैं। TET 4 साल बाद अप्रैल में 23 विषयों के लिए फिर होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे उन लोगों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में 4 साल बाद फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 16 विषय एवं माध्यमिक शिक्षकों के 7 विषयों के लिए अप्रैल में पात्रता परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को कैलेंडर में शेड्यूल बनाने को कहा है। आयुक्त लोक शिक्षण अभय वर्मा ने PUB के डायरेक्टर को इसके लिए पत्र लिखा है। 2019 में इन पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा हुई थी। इसमें करीब 7 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग के स्कूलों के 30,000 पदों के लिए शिक्षकों का चयन किया गया था। इसमें 20,000 पद स्कूल शिक्षा विभाग के व 10,500 पद जनजाति कार्य विभाग के स्कूलों के थे। दोस्तों, एम्पिटेड वर्ग एक और वर्ग दो की दोस्तों 2023 में फिर से भर्ती होने वाली है। दोस्तों तो ये उन नए लोगों के लिए एक अच्छा मौका है शिक्षक बनने के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू।